जे अन्नदंसी से अनन्नारामे, जे अनन्नारामे से अन्नदंसी। अन्नदंसी का मतलब जो अन्य को देखता है, अनन्य को देखता है। अनन्य का मतलब होता है आत्मा, जो आत्मा को देखता है। से अनन्नारामे, वह अनन्य में रमण करता है। जो आत्मा को देखता है वह आत्मा में रमण करता है। जे अनन्नारामे से अनन्नदंसी, जो आत्मा में रमण करता है वो आत्मा को देखता है। दसवें कालिक सूत्र में कहा गया संपिक्खये अपगमप्पयेणम्, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो। यहां पर भी आचारंग सूत्र में कहा जा रहा है जो आत्मा को देखता है वह आत्मा में रमण करता है। यानी जो अपने आप को देखता है वह व्यक्ति आत्मा में रमण कर सकता है, जो व्यक्ति दूसरों को देखता है वह व्यक्ति आत्मा में रमण नहीं कर सकता है। व्यक्ति क्या करता है, दूसरों के दोषों को देखता है लेकिन अपने दोषों को नहीं देखता है, अपने आप को नहीं जानता है। दूसरे के बारे में बहुत उसको जानकारी है लेकिन अपनी जानकारी नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या लक्ष्य है। इसलिए कहा जाता है जितना व्यक्ति वर्ल्ड के बारे में जानता है उतना राष्ट्र के बारे में नहीं जानता है, जितना देश के बारे में जानता है उतना वो गांव के बारे में नहीं जानता है, जितना गांव के बारे में जानता है उतना परिवार के बारे में नहीं जानता है, जितना परिवार के बारे में जानता है उतना व्यक्ति अपने बारे में नहीं जानता है। इसमें कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति अपने आप को देखता है, यानी अपने आप को का मतलब अपनी आत्मा को देखता है, वही आत्मा में रमण कर सकता है। आत्मा से जो पर है, आत्मा से पर क्या है, कषाय राग द्वेष, वो उसमें वो रमण नहीं करेगा, उससे वो बच के रहेगा, क्योंकि उसको पता है कषाय करने से, राग द्वेष करने से कर्म का बंध होता है। इसलिए व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को देखने की कोशिश करता है। दूसरी तरह हम इसकी परिभाषा ऐसे भी कर सकते हैं कि जो आत्मा को देखता है वह क्या होता है, आत्मा को देखता है वो सम्यक दर्शी होता है। जो आत्मा को जानता है इसका मतलब वो सम्यक ज्ञानी है, जो आत्मा में रमण करता है इसका मतलब है वो सम्यक चारित्र में रमण करता है। आत्मा को देखता है इसका मतलब वो सम्यक दर्शन में रमण करता है, यानी सम्यक दर्शी। जो आत्मा को जानता है इसका मतलब वो सम्यक ज्ञानी है, आत्मा में रमण करता है इसका मतलब है वो सम्यक चारित्र में रमण करता है। जहां पुण्यस्य कथयि तहां तुच्छस्य कथयि, जहां तुच्छस्य कथयि तहां पुण्यस्य कथयि। जहां मने जैसे, पुण्यस्य का मतलब है संपन्न व्यक्ति को, कथयि मने उपदेश देता है, तहां मने वैसा ही उपदेश तुच्छस्य यानी जो विपन्न यानी गरीब व्यक्ति को भी देता है। जहां तुच्छस्य कथयि तहां पुण्यस्य कथयि, जैसे वह तुच्छ व्यक्ति यानी गरीब व्यक्ति को उपदेश देता है वैसा ही उपदेश वो संपन्न व्यक्ति को भी देता है। क्योंकि जो जिसमें समता की साधना आ जाती है, यानी जिसने आत्मा का दर्शन कर लिया है उसमें समता का भी अवतरण हो जाता है। जिसने आत्मा को नहीं जाना उसके भीतर पक्षपात हो सकता है, लेकिन जिसने आत्मा के बारे में जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, जो सम्यक दर्शी है, वह व्यक्ति कभी भी पक्षपात नहीं करता है, वो सबके साथ समान व्यवहार करता है, उसका बैलेंस बना रहता है। उसके साथ ये नहीं होता है कि यह रिच मैन है इसलिए मैं इसको अच्छा उपदेश दूं, यह पुअर है इसलिए इसके साथ मैं अच्छा ना व्यवहार करूं, इसको जैसे तैसे मैं समझा दूं, ऐसा नहीं। वो कोई भी व्यक्ति उसके सामने आ जाता है, वो सबको समान रूप से समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो आत्मा को जानता है कि मेरी आत्मा है, मैं आत्मा हूँ। आत्मा को जिसने जान लिया उसके भीतर समता की साधना आ जाती है। और भगवान महावीर की साधना का सूत्र पहला था अप्रमाद, यानी एवरी टाइम जागरूक रहना। दूसरा उनका सूत्र था समता, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के सामने कितने कष्ट आए लेकिन उन्होंने समता को नहीं छोड़ा। तो जो व्यक्ति समता में रमण करता है उनके लिए कोई भी व्यक्ति हो, चाहे एकदम पैसे वाला हो चाहे एकदम गरीब हो, वो सबको समान उपदेश देता है अपरिग्रह का।
प्रश्न होता है कि जो व्यक्ति धनवान है उनको तो परिग्रह का उपदेश दे तब तो सार्थक है, लेकिन जो व्यक्ति गरीब है उनको अपरिग्रह का सिद्धांत समझाने से क्या फायदा। लेकिन भगवान महर्षि ने कहते हैं भले गरीब है उसके पास इतना धन नहीं है, उनके पास वैभव नहीं है, लेकिन थोड़ा भी है उसके पास उसमें भी उसकी आसक्ति हो सकती है, मूर्छा हो सकती है, अटैचमेंट हो सकता है, इसीलिए दोनों को ही उपदेश समान रूप से देना चाहिए। भले वैभव वाला व्यक्ति है, भले अटैचमेंट व्यक्ति है, भले पुअर है, दोनों को ही समान दृष्टि से अपरिग्रह का जो सिद्धांत है वो समझाना चाहिए, क्योंकि आसक्ति तो गरीब में भी हो सकती है और अटैचमेंट में भी हो सकती है, इसीलिए दोनों के लिए अपरिग्रह का सिद्धांत समान रूप से समझाया जाता है। अविय हणे अनादि माणे, धर्म कथा में किसी के सिद्धांत का अनादर करने पर कोई व्यक्ति मारपीट भी कर सकता है। अनादि माणे का मतलब है अनादर करने पर, अभी का मतलब है धर्म कथा में किसी के सिद्धांत का यदि हम अनादर करते हैं, सपोज कोई व्यक्ति उपदेश देता है, व्याख्यान देता है, उस समय हमें व्याख्यान करते समय हमें किसी के सिद्धांत का अनादर यानी हमें तिरस्कार नहीं करना चाहिए, हमें सभी के सिद्धांत का रेस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए आपका तो उपदेश है वो सही नहीं है, हम कहते वही सही है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सामने वाला व्यक्ति मारपीट भी कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति दरिद्र है, सपोज उपदेश सुनने वाले में कोई भी व्यक्ति गरीब भी हो सकता है, कोई धनी भी हो सकता है, तो धनी व्यक्ति को कहेंगे अरे आपने तो आपके घर में इतना पैसा है, इसका मतलब आपने चोरी करके इतना पैसा आपने इकट्ठा किया है, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। गरीब व्यक्ति है उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि तुम पापी हो, तुमने ज्यादा पाप किए हैं, इसलिए वर्तमान समय में तुम्हारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से सामने वाले व्यक्ति को हमारे प्रति द्वेष भाव हो सकता है और ऐसा होने से वो मारपीट भी कर सकता है। इसलिए जब व्यक्ति धर्म कथा करता है यानी प्रवचन करता है तो सबके साथ समान रूप से व्यवहार करे, लेकिन किसी के सिद्धांत का अनादर भी न करे और किसी व्यक्ति को हट हो चोट पहुंचे वैसा वाक्य का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। तो चार प्रकार की कथा होती है, एक आक्षेपणी होती है, एक विक्षेपणी होती है, एक संवेदनी होती है, एक निर्वेदनी होती है, चार प्रकार की कथा होती है। तो आक्षेपणी का मतलब है अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करना, प्रक्षेपणी का मतलब है दूसरे के सिद्धांत का प्रतिपादन करना, और संवेदनी का मतलब है किसी में वैराग्य कैसे उत्पन्न हो सकता है उसके बारे में कहना, और निर्वेदनी का मतलब है मोक्ष की इच्छा कैसे हो सकती है उसके बारे में कथा करना। तो जो वक्ता होता है उसमें ये क्वालिटी होती है वो चारे प्रकार की कथा करे, हमने अपने सिद्धांत को भी बताए और दूसरे सिद्धांत का भी खंडन न करे, और व्यक्ति के भीतर वैराग्य कैसे हो सकता है और व्यक्ति में मोक्ष की इच्छा कैसे हो सकती है उसका भी वो उपदेश दे, लेकिन ऐसा ना करे कि बस मैं कहता हूँ वही सही है, वो ऐसा नहीं, आग्रह नहीं करना चाहिए, तो हमें आग्रह छोड़ना है। दूसरा है क्षेत्र का भी विवेक करना चाहिए कि कौन से क्षेत्र में कौन सी बात करनी चाहिए, क्योंकि एक एक क्षेत्र होता है, किसी क्षेत्र में अलग अलग धर्म के अनुयायी होते हैं, यदि ज्यादा दूसरे धर्म के अनुयायी हैं हमें उसके हिसाब से बात करना चाहिए, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को यह नहीं होना चाहिए कि हमारी बात को काट लिया जा रहा है, यानी हमारी बात जो है हमारा जो धर्म है उसके ऊपर वो आक्षेप कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्षेत्र का भी विवेक होना चाहिए और कौन सा वो दर्शन मानते हैं, वो जैन दर्शन को मानने वाले हैं या बौद्ध दर्शन को मानने वाले हैं, सांख्य दर्शन को मानने वाले, कौन से दर्शन को मानने वाले हैं, उसके हिसाब से यदि हम बात करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को क्या है उनको फील नहीं होता है कि हमारे धर्म का वो अनादर कर रहे हैं। तीसरा है समय का भी विवेक होना चाहिए कि किस समय हमें कौन सी बात बोलनी चाहिए, उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, उसके साथ साथ हमारा भाव विवेक भी होना चाहिए, यानी हमारा किसी के प्रति न राग होना चाहिए न किसी के प्रति द्वेष होना चाहिए। केयम पुरुषे कमचणये, केयम पुरुषे, के का मतलब कौन, यम का मतलब यह, कोयम यानी
कौन, पुरुष है मैंने पुरुष, नहीं यह पुरुष कौन है। कम चणे किस दर्शन का अनुयायी है, मैंने धर्म कथा करते समय यह भी हमें विवेक रखना चाहिए, जहां सामने वाली जो परिषद है हमारी वो कौन से दर्शन को मानने वाली है, किसका वो फॉलो कर रही है, वो हमें जानना जरूरी है। क्योंकि जब तक हम नहीं जानते हैं तब तक व्यक्ति अच्छी तरह से वो प्रवचन नहीं कर सकता है। यदि प्रवचन भी करता है लेकिन वो उसे पता नहीं है यह किस रूप में मुझे बोलना चाहिए, धर्म कथा के प्रसंग में विवेक करना जरूरी है कि सामने वाला श्रोता कौन है, धनी है या गरीब है, उनका स्वभाव कैसा है, कोमल है या कठोर है, उसमें श्रद्धा है या केवल आर्गुमेंट करता है, वो जिज्ञासा करता है या वो झगड़ा की दृष्टि से वो प्रश्न पूछता है, वो सारी जानकारी चाहिए। इसलिए कहा गया के यम पुरुषे, यह पुरुष कौन है, धर्म कथा के समय विवेक करना चाहिए यह पुरुष कौन है और किस दर्शन को मानने वाला है। इस प्रकार ये पुरुष किस दर्शन का या दार्शनिक को स्वीकार कर चलता है ये भी जानना चाहिए। ऐसे वीरे प्रशंसिए जे बद्धे पड़ी मोये, वही वीर प्रशंसित होता है। एस का मतलब यह, वीरे मने वीर, प्रशंसी का मतलब प्रशंसित होता है। जे बद्धे पड़ी मोये, बद्धे का मतलब जो बंधे हुए मनुष्य को, पड़ी मोये का मतलब मुक्त करता है। तो प्रशंसा किसकी होती है, जो मनुष्य बंधे हुए, तो बंधा हुआ किससे है, कर्म से है। तो अनादि काल की आत्मा पर जो कर्म लगे हुए हैं उससे हर मनुष्य के हर प्राणी उससे बंधे हुए, उनको हम कैसे मुक्त कर सकते हैं, उनको हमें समझाना चाहिए अनेकांत की दृष्टि से। अनेकांत की दृष्टि से समझाए कि मैं कहता हूँ वही सही है, तुम कहते वह भी सही है। अनेकांत की दृष्टि से उनको समझाने से वो क्या है, वो बंधनों से मुक्त हो सकता है, आग्रह से मुक्त होता है। उस व्यक्ति की दृष्टि भी क्या अनेकांत में होती है, जिसमें जिसकी दृष्टि अनेकांत की होती है, जिसमें आग्रह नहीं होता है, जिसमें बैलेंस होता है, जिसमें समता होती है, वह व्यक्ति क्या है, प्रशंसित होता है। जिसमें ये बातें नहीं होती है उसकी निंदा भी हो सकती है। इसलिए भगवान महावीर ने हमें सिद्धांत दिया है, अनेकांत का सिद्धांत। अनेकांत के सिद्धांत को यदि जीवन व्यवहार में अपनाया जाए तो जो कई प्रकार की समस्याएं हैं उनका समाधान भी हो सकता है। यदि हम खींचातान करते हैं, बस मैं कहता हूँ वही सत्य है, तुम कहते वो सही नहीं है, ऐसा करने से क्या है, अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। यदि हमें समस्या का समाधान पाना है तो भगवान महावीर का जो सिद्धांत अनेकांत का है, अनाग्रह का है, क्षमता का है, उसको हम अपनाएं, जिससे हमारे राग द्वेष कम होगा, राग द्वेष कम होगा तो हम बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। उद्दम अहम तीर्यम दिशासु से सब्बतो सब्ब परिन्न चारी, उद्दम, उद्दम का मतलब ऊंची, अहम का मतलब नीची, तीरम का मतलब तिरछी, दिशासु का मतलब दिशाओं में, से मने वह, सब्बतो मने सब ओर से, सब्ब परिन्न चारी समग्र परिज्ञा के द्वारा चलता है। सब्ब का मतलब समग्र संपूर्ण, परिन्न का मतलब परिज्ञा, चारी का मतलब चलता है। वह ऊंची दिशा, नीची दिशा और तिरछी दिशा, सब दिशाओं में सब ओर से समग्र परिज्ञा के द्वारा चलता है। यानी जो अपरिग्रही व्यक्ति है वो सभी दिशाओं में क्या करता है, विवेक करता है। परिज्ञा का मतलब विवेक करता है, विवेक का आचरण करता है। वह पदार्थ और चैतन्य की जो भिन्नता है, मतलब आत्मा अलग है शरीर अलग है, वो भेद विज्ञान का अनुभव करता है। और भेद विज्ञान का जब अनुभव हो जाता है तब व्यक्ति क्या है, जो राग द्वेष है उससे वो बच सकता है। परिज्ञा का मतलब क्या करना है, परिज्ञा का मतलब है हमारे अंदर जो राग द्वेष है उसका हमें विवेक करना है, हम राग द्वेष से कैसे बच सकते हैं। अणालिप्पै क्षण पैण धीरे सूत्र है, अणालिप्पै क्षण पैण धीरे, जो वीर यानी वीर पुरुष होता है, अणालिप्पै किसमें लिप्त नहीं होता है, क्षण पैण, क्षण पैण का मतलब हिंसा,
हिंसा में वो लिप्त नहीं होता है। जो वीर होता है, जो महान व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति हिंसा में लिप्त नहीं होता है, क्योंकि हिंसा में लिप्त होने से क्या होगा, कर्म का बंद होगा। हिंसा कहाँ से आती है, जब परिग्रह होता है, परिग्रह से हिंसा का प्रवेश होता है। और जिसमें परिग्रह नहीं है, जिसमें ममत्व नहीं है, ममत्व रहित व्यक्ति क्या है, अप्रमाद का जीवन जीता है। जितना जितना अप्रमाद होता है, यानी जितनी जितनी आत्मा के प्रति जागरूकता होती वह व्यक्ति हिंसा नहीं करता है। जितना ध्यान हमारा बाहर में होता है, शरीर के प्रति होता है, परिवार के प्रति होता है, वह व्यक्ति हिंसा अधिक करता है। इसमें कहा गया कि वीर पुरुष होता है वो हिंसा कर्म से, हिंसा का मतलब कर्म से लिप्त नहीं होता है। उत्तराधन सूत्र में कहा है कि भोगों में कौन लिप्त होता है, उले वो होई भोगेशु अभोगी नो लिप्पये। जो भोगी व्यक्ति होता है वह व्यक्ति क्या है, भोगों में लिप्त होता है, लेकिन जो अभोगी होता है वह भोगों में कभी भी आसक्त नहीं होता है। गीता में भी कहा है, योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो योग युक्त है, विशुद्ध है, विजित आत्मा यानी जितेन्द्रिय है, जो सभी प्राणियों को अपने समान समझता है, वह क्रिया करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है। तो भगवान महावीर स्वामी भी यही कहते हैं, जो व्यक्ति यत्नापूर्वक चलता है, यत्नापूर्वक बैठता है, यत्नापूर्वक खाता है, यत्नापूर्वक सोता है, वो सब कुछ करता हुआ भी पावम कम्मं न बन्धहि, वो पाप कर्मों से लिप्त नहीं होता है। तो गीता में भी यही कहा है और भगवान महावीर स्वामी भी यही कहते हैं कि हमें क्या करना है, जो भी हम काम करें, यत्नापूर्वक करें, जागरूकता के साथ करें, भावक्रिया के साथ करें, माइंडफुलनेस के साथ काम करें, जिससे क्या है, पाप कर्म का बंध नहीं होगा। यदि हम बिना जाने काम करते हैं, जागरूकता से काम नहीं करते हैं, तो उससे पाप कर्म का बंध होता है। भगवान महर्षि स्वामी तो यहाँ तक कहते हैं, एक साधु है, वो यदि देख करके चलता है, इंडिया समिति के साथ चलता है, सपोज उसके पैर से कोई जीव की हिंसा भी हो जाती है, फिर भी उसको दोष नहीं लगता है, पाप नहीं लगता है। यदि इंडिया समिति के साथ साधु नहीं चलता है, उसके पैर से कोई जीव की हिंसा भी नहीं होती, फिर भी उसके पाप कर्म का बंध होता है। इसीलिए साधु के लिए कहा जाता है, इंडिया समिति के साथ यानी देख करके चलना चाहिए। से मेहावी अनुघायण खेयन्ने जे बंद प्रमुख मन्ने सी। से मेहावी, से मैंने वह, मेहावी मेधावी पुरुष क्या करता है, अनुघायणस, अनुघायणस का मतलब है अहिंसा के मर्म को, खेलने का मतलब जान लेता है। जे बंद प्रमुख मन्ने सी, जो बंद से मुक्त होने की अन्य से मैंने खोज करता है, जो बंद से यानी जो कर्म का बंद हो गया है उससे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, उसकी जो खोज करता है वह मेधावी क्या करता है, अहिंसा के मर्म को जान लेता है। अहिंसा के मर्म को जान लेता है यानी मैं अहिंसा का पालन कैसे कर सकता हूँ, कैसे मैं ऐसा जीवन जीऊं जिससे हिंसा कम हो, अहिंसा का पालन अधिक हो। तो ऐसा भाव होता है अहिंसक व्यक्ति का। तो कई बार मैं कहती हूँ, जो कुमार पाल राजा थे उनके भीतर कितनी अहिंसा की भावना थी। वो चातुर्मास के 4 महीने तक गांव से बाहर नहीं जाते थे, अपने गांव में ही रहते थे। 4 महीना तक वो एकासन करते थे, उनके भीतर कितनी अहिंसा की भावना थी। इवन वो सब घोड़े हाथी थे, उनको भी वो छान करके पानी पिलाने की व्यवस्था करते थे। अहिंसा की चेतना हमारे भीतर जितनी जितनी होती है, उतने उतने कर्म का बंध कम होता है। जितनी जितनी हिंसा की भावना होती है, उतने उतने अधिक कर्म का बंध होता है। कुशले पुण्यो बद्धेणो मुक्ते, जो कुशल होता है, नो बद्धे न मुक्ते, न बद्ध होता है और न मुक्त होता है। कुशल का मतलब यहाँ पे है वीतराग, कुशल का मतलब है यह केवल ज्ञानी। जो केवल ज्ञानी होते हैं वो कर्मों से बद्ध नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि उनके 4 घाती जो कर्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और उसके साथ साथ उनका कषाय भी नहीं होता है, केवल योग रहता है, मन वचन काय की प्रवृत्ति रहती है,
कषाय से ही कर्म का बंध होता है, कषाय और योग दो होता है, लेकिन अकेले योग से भी कर्म का बंध नहीं होता है, कषाय साथ में जुड़ता है तब कर्म का बंध होता है। तो जो केवल ज्ञानी होते हैं उनके मात्र दो समय का ही कर्म का बंध होता है, यानी पहले समय में कर्म का बंध होता है, वो भी सात वेद में पुण्य का बंध होता है, दूसरे समय में वो उदय होता है आता है, और तीसरे समय में वो झड़ जाता है, उसको कहते हैं इरियापतिक बंध। एक सांवरायिक बंध होता है, एक इरियापतिक बंध होता है। जो सांवरायिक बंध होता है वो किसको होता है, जिसमें कषाय होती है उस व्यक्ति के तो सांवरायिक बंध होता है। इरियापतिक बंध उसको होता है जिनमें कषाय नहीं होती है, जो वीतराग होते हैं, जो केवल ज्ञानी होते हैं उनके इरियापतिक बंध होता है वो मात्र दो समय का होता है। तो कुशल का मतलब यह बताया है, कुशल का मतलब जो वीतरागी है, कुशल का मतलब है जो केवल ज्ञानी है, वो न बद्ध होते न मुक्त होते हैं, क्योंकि उनके कर्म का बंध नहीं होता है। तो कर्म का बंध नहीं होगा तो मुक्त होने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सूत्र है, से जम च आरभे, जम च नारभे, अनारब्धम च नारभे। से जम च आरभे, वह किसी प्रवृत्ति का आरभिकान आचरण करता है, जम च न आरभे और किसी का आचरण नहीं करता, अनारब्धम च नारभे, मुनि उसके द्वारा अनाचीरण का आचरण न करे। मतलब वह किसी प्रवृत्ति का आचरण करता है, किसी का आचरण नहीं करता है, तो मुनि क्या करे, उसके द्वारा अनाचीरण का आचरण न करे। अनाचीरण का मतलब है जो आचरण करने के योग्य नहीं है, जिसमें हिंसा ज्यादा होती है, मुनि उसका आचरण न करे। क्योंकि जो मेधावी मुनि है, जो कुशल है, यानी जो वीतरागी है, जो केवल ज्ञानी है, जो उन्होंने कहा है उसी के अनुसार मुनि चलता है, लेकिन उनके विरुद्ध वो काम नहीं करता है, भगवान की आज्ञा के अनुसार ही वो काम करता है। तो कुशल वह होता है जो भगवान की आज्ञा के अनुसार काम करता है। तो मुनि क्या करते हैं, जो भगवान ने कहा है, जो केवल ज्ञानी ने कहा है उसके अनुरूप वो काम करता है। इसलिए वो क्या करता है, जो जिसमें कर्म का बंध होता है वैसा वो आचरण नहीं करता है। क्षणम क्षणम परिन्नाय लोग सल्लम च सब्बसो। पुरुष क्या करता है, क्षणम का मतलब हिंसा, हिंसा के स्थान को परिन्नाय का मतलब जाने और छोड़े। पहले तो जानना है, उसके बाद हमें छोड़ना है कि क्या क्या करने से हिंसा होती है। हिंसा का मतलब ऐसा हम क्या काम करते हैं जिसमें हिंसा होती है, और हिंसा होने से ही पाप कर्म का बंध होता है। पहले तो जानना चाहिए, उसके बाद जानने के बाद हमें क्या करना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। लोग संयम च सब्बसो, लोग संयम लोक संज्ञा को सब प्रकार से जाने और छोड़े। लोक संज्ञा का मतलब क्या है, परिग्रह या पदार्थ के प्रति जो हमारा अटैचमेंट होता है या परिग्रह होता है उसको लोक संज्ञा कहा जाता है। तो लोक संज्ञा का हमें क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, यानी जो परिग्रह के प्रति हमारा जो अटैचमेंट है उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं, उसके बारे में हमें चिंतन करना चाहिए पहले, और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उसका हमें प्रत्याख्यान कर देना चाहिए, यानी छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हम जितना जितना परिग्रह से हम बचते जाएंगे उतनी उतनी हमारी हिंसा भी कम होती जाएगी, क्योंकि परिग्रह से ही हिंसा उत्पन्न होती है। उद्देश्य पास गी, दृष्टा के लिए कोई निर्देश नहीं है। उद्देश्य का मतलब है उपदेश, निर्देश। पासगस का मतलब जो दृष्टा है, दृष्टा का मतलब जो आत्मदृष्टा है, जो आत्मा को जानता है, जिसका ध्यान आत्मा की ओर है, उसके लिए कोई उपदेश नहीं है। ये उपदेश किसके लिए है, जो परिग्रह में रचा पचा हुआ है, जिसका ध्यान केवल परिवार के प्रति है, जिसका ध्यान केवल शरीर के प्रति है, उसके लिए उपदेश है। आप अपनी आत्मा के प्रति अवेयर रहो, जागरूक रहो, जिससे पाप कर्म का बंध कम होगा। यदि आप परिग्रह में ही रचे पचे रहेंगे, परिवार के प्रति ही आपकी आसक्ति बनी रहेगी, तो उससे ज्यादा पाप कर्म का बंध होगा। इसीलिए कहा गया उद्देश्य पास दर्शन थी, जो दृष्टा है, आत्मदृष्टा है, उसके लिए कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि वो तो अपने आप ही पाप कर्मों से बचने की कोशिश करता है। लेकिन जिसमें जो आत्मदृष्टा नहीं है, जिनका ध्यान बाहर की ओर है, आत्मा की ओर नहीं है,
उनके लिए सारा उपदेश दिया जा रहा है, आपको हिंसा नहीं करना है, आपको परिग्रह का संग्रह ज्यादा नहीं करना है। वो किसके लिए उपदेश है? जो आत्मदृष्टा नहीं है, आत्मदृष्टा के लिए कोई उपदेश नहीं है। बाले पुणी है काम समणुन्य असमीय दुखे दुखी दुखाणमेव आवट्टम अणुपरिहृतमे। बाले का मतलब होता है अज्ञानी पुरुष, निहे का मतलब स्नेहवान, काम समणुन्य काम का प्रार्थी, काम का इच्छुक होकर क्या है असमीय दुखे, दुखे का मतलब दुख, असमीय का मतलब शांत नहीं करता है, जो अज्ञान से भरा हुआ है, जिसमें ज्यादा स्नेह का मतलब राग द्वेष की भाव है, जो काम को चाहने वाला है ऐसा व्यक्ति है, दुखों का कभी भी समन नहीं कर सकता है, नहीं दुखों का अंत नहीं कर सकता है, शांत नहीं कर सकता है। दुखी दुखाणमेव आवट्टम अणुपरियट्टे, वह दुखी क्या है? दुखी बना हुआ व्यक्ति आवट्टम अणुपरियट्टे, आवट्टम का मतलब आवर्त, आवर्त यानी संसार में, अणुपरियट्टे का मतलब है परिभ्रमण करता है। तिबेमी मैंने ऐसा मैं कहता हूँ, यानी भगवान महर्षि में आचारंग सूत्र में कहते हैं कि जो अज्ञानी पुरुष है उसमें क्या होता है, स्नेह होता है यानी राग द्वेष होता है, और वो क्या करता है इसमें काम की इच्छा होती है, जो पांचों इंद्रियों के जो विषय है वो प्राप्त करने की इच्छा एनी टाइम उनकी बनी रहती है, जो पांचों इंद्रियों के जो विषय है उसको ही मैं भोग करता रहूं उसकी भावना बनी रहती है, और पांचों इंद्रियों का विषय जो भोगता है, एक इंद्रिय का विषय भी व्यक्ति को कितना कष्ट पहुंचा सकता है, तो पांचों इंद्रियों के विषय में जो आसक्त रहता है उस व्यक्ति के दुखों का कभी भी अंत नहीं आता है। जब व्यक्ति दुखी होता है तो दुखी व्यक्ति और अधिक कर्म का बंध करता है, जिससे संसार में आवर्त यानी संसार में अनुपरिवर्तन, यानी अनुपरिवर्तन का मतलब है बार बार वो घूमता रहता है, जन्म और मरण वो करता रहता है, यानी डेथ एंड बर्थ उसका चलता ही रहता है, क्योंकि उनके भीतर अज्ञान है यानी मिथ्यात्व है, और उसके भीतर राग द्वेष अधिक है, तो राग द्वेष जिसमें अधिक होगा, जिसमें मिथ्यात्व होगा, ऐसे व्यक्तियों का संसार का अंत कैसे हो सकता है? तब हो सकता है जब वो आत्मदृष्टा बने, जब उसमें सम्यक्त की प्राप्ति हो, तब संसार का जो परिभ्रमण चल रहा है अनादिकाल से उससे वो मुक्त हो सकता है। जब मिथ्यात्व का नाश होगा, सम्यक्त की प्राप्ति होगी, तब ही संसार परिभ्रमण जो अनादिकाल से हम कर रहे उससे हम मुक्त हो सकते हैं। एक बार भी सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती है तो निश्चित रूप से अर्ध पुद्गल परावर्तन में तो हमारा मोक्ष होता है। यद्यपि अर्ध पुद्गल परावर्तन भी बहुत बड़ा है, उसमें भी अनंत अवसर्पिणी उत्सर्पिणी का समय बीत जाता है, इतना लंबा पीरियड बीत जाता है, फिर भी एक रिजर्वेशन हो जाता है कि हमारा मोक्ष फिक्स हो गया है कि हम मोक्ष जाएंगे। जब तक सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती तब तक डाउटफुल है कि हमारा मोक्ष होगा या नहीं, लेकिन सम्यक्त की प्राप्ति होने का मतलब है हमारा मोक्ष का रिजर्वेशन हो जाता है, और मोक्ष का रिजर्वेशन होने से अवश्य ही हमें मोक्ष मिलता है। तो सम्यक्त की प्राप्ति कैसे हो उसके लिए हमें क्या करना है? आत्मदृष्टा बनना है, यानी हमें अपनी आत्मा को देखना है। जो व्यक्ति आत्मा को देखता है, नहीं आत्मा के प्रति जागरूक रहता है, आत्मा के प्रति जागरूक का मतलब है मेरी आत्मा कैसे कर्मों के बंधनों से बच सकती है, मैं कैसे कर्मों से हल्का बन सकता हूँ, उनका चिंतन आत्मा के प्रति रहेगा, शरीर के प्रति परिवार के प्रति नहीं रहेगा कि मैं बैंक बैलेंस कैसे बढ़ाऊं, मेरा और अच्छा कैसे बिजनेस हो। वो ठीक है परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो भी जरूरी है, लेकिन ध्यान आत्मा में ही रहेगा। सब कुछ करता हुआ भी वो आत्मा के प्रति अवेयर रहता है, जिससे वो पाप कर्म का बंध कम करता है। तो पाप कर्म का बंध कम करने के लिए हम क्या करें? आत्मदृष्टा बने, आत्मा के प्रति जागरूक बने। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। हमारा दूसरा जो चैप्टर था आचारण सूत्र का वो भी पूरा हो गया है, कल से हम तीसरे अध्ययन का हम स्वाध्याय करेंगे। इसी आशा के साथ ओम अरहम। किसी के कोई क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं।